वेलकम टू विजडम क्लासेस। अगर आप गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए एक सीढ़ी की तरह काम करेंगी। इसलिए गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन गलतियों से सीख लेना चाहिए। अब आज हम देखते हैं कि आज हमारे टॉपिक में क्या क्या खास है। अब आप देखिए, सबसे पहले ये हिमालय से संबंधित टॉपिक है, जिसमें देखिए आपको दिख रहा होगा हिमालय जो कि एक फोल्डेड माउंटेन कैसे बना। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में समझेंगे और ये अलग अलग जो इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो कैसे बनी, काराकोरम या फिर ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय वगैरह ये सब देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि इसकी फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में किस किस युग में क्या क्या हुआ ये भी आप सीखेंगे। बाकी फिर हिमालय के बारे में किन देशों से किन प्रदेशों से लगता है, मतलब किसे होकर गुजरता है, तो ये सब देखेंगे। पीर पंजाल और ये सब श्रेणियों के बारे में देखेंगे। और एक ख़ास चीज़ ये आपको जानने को मिलेगी कि ये जो पीक्स हैं इनके बारे में जानेंगे। ऐसे ही सारे जो ट्रांस हिमालय वगैरह इनके विशेषताएं वगैरह जानेंगे, और ग्रेट हिमालय, लोअर हिमालय, और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे जो इनमें पासेज हैं यानी कि दर्रे हैं उनके बारे में जानेंगे। ये हमारा जो इससे रिलेटेड है, ग्लेशियर से रिलेटेड वो जानेंगे, जो यहाँ से रिवर्स निकली है वो जानेंगे। तो समझिए आप इसमें इस टॉपिक में कितना कुछ खास है। इसको समझने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा और आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ये सब दिखाया है क्योंकि आपको शुरू का देख के ये समझने लगते हैं कि अंदर क्या होगा क्या नहीं। अब आपको समझ में आ गया इसमें क्या क्या आपको खास मिलेगा। बहुत कुछ है, बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। अब देखिए, सबसे पहले ये अगर हमें समझना है कि हिमालय का निर्माण कैसे हो, उससे पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी कि जब पृथ्वी के जो ये कॉन्टिनेंट्स वगैरह बने थे तो किस तरीके से बने थे, और सबसे पहले ये प्लेट्स क्या होती हैं। तो ये प्लेट्स के बारे में देखिए, टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं जो क्या है, मैसिव स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक्स मेड अप ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मेंटल। जो पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट है और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, तो अपर मेंटल, तो इनको मिला के लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो या ये कहें साधारण भाषा में जो ऊपरी क्रस्ट है उसी को हम प्लेट्स कहते हैं, यानी कि पृथ्वी जो है, जो लैंड एरिया है, भूमि वाला एरिया उसका है, तो ये और मतलब अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। तो इंडिया किसका पार्ट, इंडियन प्लेट कैसे है, क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत से हमें समझना पड़ेगा, कार्बोनिफेरस युग से। उसमें क्या था, सबसे पहले आपको पता होगा, ये सब जानकारी होगी, संक्षेप में बताना ज़रूरी है। कार्बोनिफेरस काल में जो अर्थ थी उसमें क्या था, बीच में एक क्या था, जो सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, और उसको क्या कहते थे, उस सब जुड़े हुए भूखंड को कहते थे पैंजिया। यानी कि ये जो बीच वाला भाग है पैंजिया, और इसके चारों तरफ ये सागर था, मतलब पानी था, इस पानी को क्या कहते थे, पैंथलासा। फिर क्या हुआ कि जुरासिक युग में क्या हुआ, इस पैंजिया के जो बीच वाला हिस्सा है, इस पैंजिया के दो टुकड़े हो गए। जब दो टुकड़े हुए तो क्या हुआ, फिर इसके बाद में स्थिति आती है कि जो टुकड़े होने के बाद में ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, ये दो टुकड़े हुए, तो ऊपर वाला भाग कहलाया, वो तो कहलाया आपका लॉरेंसिया, ये वाला भाग लॉरेंसिया कहलाया, नीचे वाला भाग कहलाया आपका गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो ये पैंथलासा का जो जल था, ये बीच में भर गया, तो ये बीच वाला हिस्सा कहलाया टेथिस सी। तो ये हुआ। अब इसके बाद में फिर एक आगे ये लंबे समय बाद क्या हुआ, ऊपर वाला हिस्से भी दो टुकड़ों में बट गया, इधर वाला हिस्सा इधर मूव कर गया, इधर मूव कर गया, और नीचे वाला हिस्सा भी दो टुकड़ों में बट गया। तो ऊपर वाला हिस्सा का जो इधर करा वो नॉर्थ अमेरिका को का प्लेट बनी, और इधर वाला जो हिस्सा था वो क्या, यूरेशिया। ऐसे जब इसके टुकड़े हुए तो इधर वाला साउथ अमेरिका और इधर वाला हिस्सा अफ्रीका। तो अब इसके बाद हमारी जो चीज़ है, हमारा जो इंडियन प्लेट का जो है वो समझ में आएगा आपको कि कैसे बनी। अब ये जो अफ्रीका वाला भाग मैंने बताया, इस अफ्रीका वाले भाग के भी टुकड़ा हुआ, और ये कारणों के बारे में हम जानेंगे जब इनकी थ्योरीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन अभी केवल इतना समझ लीजिए कि जो इंडियन प्लेट थी वो अफ्रीकन प्लेट का भाग थी, और आपको मालूम ही है कि इसलिए वो पहले जो थी क्या, हमारे विषुवत रेखा से नीचे की तरफ थी। आज तो हम कब हैं, विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ हैं, लेकिन ये नीचे थी। अब यही चीज़ ये है, जब ये प्लेट यहाँ से अब आप देखिए, ये चीज़ वही आपको दिखेगा, ये इंडियन प्लेट है जो मूव कर रही है। तो लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले की बात है,
ये जो गोंडवाला लैंड यानी कि जो अफ्रीका वाली प्लेट थे उससे अलग हुआ, और उसके बाद में इसने ये नॉर्थ हुआ इधर और इधर ईस्ट हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट में मूव करना शुरू करा। और ये शुरू में तो 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से मूव कर रही थी ये प्लेट, तो ये प्लेट जो थी कर रही थी, और धीरे 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 इसकी गति कम होती चली गई। और अब ऐसे ही जो ऊपर प्लेट थी, मैंने बताया था कि जो कौन सी प्लेट थी, लॉरेंशिया की जो टूट के हुई थी तो यूरेशिया में बट गई थी, ये यूरेशिया वाली प्लेट है। और इसके बीच में बताया था टैथिस सी था, तो टैथिस सी है ये। तो ये जो थी इधर की तरफ मूव कर रही थी, और इस तरीके से ये इनकी तरफ मूव करते 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 एक टाइम ऐसा आया जो ये देख रहे हैं आप आगे मूव कर रही है, यानी कि विषुवत रेखा को पार करके आगे आ गई है। और यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा ये हिस्सा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नदियाँ उधर से जब आ रही हैं यूरेशियन प्लेट से और यहाँ पर अपना जो डिपोजिशन कर रही हैं अपना किस में, टैथिस सी में, तो सेडिमेंट्स हैं जो, तो इसी तरीके से ये जो प्लेट आते आते इसके पास पहुँच गई। अब आप पास पहुँच गई तो ये देखिए प्लेट टेक्टोनिक में होता क्या है उसको समझिए आप। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अगर ये दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट और एक ये प्लेट है, मान लिया एक ये इंडियन प्लेट है और एक यूरेशियन प्लेट है, बीच में क्या है ये टैथिस सी के जो डिपोजिशंस वगैरह हैं, ये पास आते 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 क्या होगा, ये प्लेट जो होती है इस प्लेट के नीचे की तरफ जब सामने जाएगी तो टकराने की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं इसे, डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी किनारा, तो ये जाके टकराता है। और एक प्लेट जो है जैसे इंडियन प्लेट है इसके नीचे की तरफ को मूव करने लगेगी और अपने एज जो है उसका डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाश होने लगेगा, और इस तरीके से क्या होगा मैग्मा बनने लगेगा। तो वही चीज़ें हैं, जब इस तरीके से होता है तो इसका जो सेडिमेंट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, और यही जो सेडिमेंट्स आपको उठते हुए दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं आपको इस तरीके से, पर एक धीरे 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 टाइम पीरियड बहुत लंबा टाइम लगता है इसमें। अब मैं आगे दिखाऊंगा किस टाइम पीरियड के हिसाब से इसका निर्माण होता चला गया। तो इस तरीके से ये क्या होगा, फोल्ड्स बनते जाएंगे, होता है ना दो चीज़ों को दबाओ, इधर से एक प्लेट और एक प्लेट दो चीज़ें दबा रही हैं बीच के उसको, तो क्या होगा ये बीच का मलबा जो है इस तरीके से फोल्ड होता जाएगा और नीचे खुद प्लेट्स भी पिघल रही हैं जो कि ऊपर की तरफ प्रेशर डाल रही हैं। तो इस तरीके से ये जो सेडिमेंट्स हैं ये ऊपर की तरफ फोल्ड की तरह एक साथ नहीं बल्कि फोल्ड बनता जाएगा ऐसे करके, होता है ना किसी इलास्टिक वाली चीज़ हो रबड़ वाली हो उसको दबाओ तो पता लगता है, ऐसे कोई लंबी सी चीज़ उसको दबाओ तो फिर ऐसे 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 मोड़ने लगती है दोनों तरफ से दबाव पड़े तो। वही चीज़ इंडिया के साथ होती रही, मतलब इंडियन प्लेट के साथ होती रही, और ये सब जब यूरेशियन प्लेट दोनों टकराती गई तो किस तरीके से जो सेडिमेंट्स थे और वो था तो किस तरीके से यहाँ पे फोल्ड्स बनते गए, वो चीज़ें आगे आपको भी आगे दिखेंगी। तो ये आपको समझ में आया, अब ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ें जो हैं ढंग से समझिए कि अब कैसे निर्माण होता है। अब इंडियन प्लेट है ये टकराई, इसमें क्या होता है एक तरफ तो क्या था आपको बस ये जानना होगा कि अरावली पर्वत यानी कि जो इंडिया में इंडियन प्लेट पे थे अरावली पर्वत पहले से थे, और ये देखिए एक आर्क के शेप में दिख रही है आगे का हिस्सा ऐसे करके, तो जो इसमें जो इधर वाला हिस्सा है ये दिखेगा आपको क्या चीज़ है, आपको इधर वाला हिस्सा जो है वो दिखेगा क्या चीज़ है अरावली पर्वत और इधर राजमहल की पहाड़ियाँ। तो पहले इधर वाला किनारा आके टकरा रहा है, जब इधर वाला किनारा आके टकरा रहा है तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई गई है, पहले इधर वाला किनारा टकराया ये, और ये वाले किनारे के साथ में ऑलरेडी अरावली पर्वत था, यानी कि जब ये टकराया तो यहाँ पर जो ज़्यादा प्रेशर बनाएगा और क्या होगा इस तरीके से, सबसे पहले जो होगा वो किसका निर्माण हो रहा है काराकोरम का, तो काराकोरम का निर्माण हो रहा है। और उसके बाद में जब यही प्लेट आगे बढ़ती चली जाएगी तो ये टकराना शुरू करेगी और इस तरीके से जो सेडिमेंट्स है वो ऊपर उठने लगेंगे, और आपको फिर जो ये दिखेगा कि ये ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पर, ग्रीन कलर का क्या है सेकंड, काफ़ी लंबे समय के बाद में कुछ फिर ये ग्रीन कलर का सेकंड लेयर बन रही है, तो सेकंड लेयर क्या बन रही है ग्रेट हिमालय की बन रही है। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से ग्रेट हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ, अब ये धीरे धीरे चलता रहा और ये ग्रेट हिमालय का ये देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर क्या थी राजमहल की पहाड़ियाँ और इधर अरावली की थी, तो ये जो प्रेशर इधर और इधर दो जगह ज़्यादा पड़ा तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो ऊंची ऊंची पीक्स हैं और यहाँ पर भी ऊंची ऊंची पीक्स हैं जो माउंट एवरेस्ट वाली यहाँ पर हैं, और इधर जो है वो आपको इधर भी ऊंची ऊंची पीक्स दिखेंगी। तो इस तरीके से ये आपका ग्रेट हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है।
अब इसके बाद में यही चीज़ और चलता रहा धीरे धीरे, फिर उसके बाद में ये टाइम पीरियड में आगे समझाऊंगा, उसको भी समझ में आएगा आपको। फिर ये नेक्स्ट जो लेयर बन रही है आपको ब्राउन कलर की, ये दिख रही है, ये क्या है, ये आपको बन रही है। अब दोबारा में ऐसी फिर ये मूव कर रही है, मूवमेंट मूव तो चल चल रही है, ये प्लेट तो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, और उधर वाली से टकराना उसका चलता जा रहा है, और ये डिस्ट्रक्टिव मार्जिन पर ये चीज़ें होती जा रही हैं। और ये फिर ये लेसर हिमालय का निर्माण होता है, और सबसे लास्ट में येलो वाले दिखती है, ये शिवालिक रेंज का निर्माण होता है। अब ये देखिए आपको मैंने बताया, यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाया है, ये जो एक्चुअल में आपको समझ में आना चाहिए वो ये चीज़ है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट एक है, इंडियन वाली समझ लीजिए, ये कौन सी है आपकी यूरेशियन प्लेट है, तो ये जो है इंडियन प्लेट इसके नीचे की तरफ मूव कर रही है, लिथोस्फीयर में की तरफ को दिख रहा है, ये पिघल रही है, और ये ऊपर की तरफ वाली ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ये जो है माउंटेन रेंज बन रही है, ये दिख रहा है, ये सब माउंटेन रेंज बन रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है जिसको आपने समझा, और ये सेडिमेंट्स जो होते हैं जो और ऊपर की तरफ उठते चले जा रहे हैं, उठते चले जा रहे हैं, और ये पर्वत का आज भी हिमालय पर्वत का निर्माण चल रहा है, लेकिन ये इसकी जो है पहले जो एक लंबे बहुत लंबे समय बाद ये धीरे धीरे होता है। तो अब ये देखिए आपको दिखेगा यहाँ पर एंड ऑफ मेसोजोइक एरा में क्या होता है, काराकोरम का निर्माण, ईओसीन काल में ग्रेट हिमालय का, मायोसीन काल में लेसर हिमालय का, और प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय का। तो अब ये देखिए इस चीज़ को आप देखिए टाइम पीरियड के हिसाब से समझते हैं, टाइम पीरियड के हिसाब से आप देखिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय से परे का पार्ट, मतलब उधर आगे का पार्ट, तो ट्रांस हिमालय से आगे पार का पार्ट, तो ये क्या है एंड ऑफ मेसोजोइक इस इरा में हुआ है, उसमें भी क्रेटेशियस जो क्रेटेशियस युग था उसमें समय था, काल था उसमें था, तो ये कब से कब तक था, 145 टू 65 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। और ऐसे ग्रेट हिमालय कब का निर्माण हुआ, 55 से 34 मिलियन ईयर्स एगो योसिन पीरियड में, और ऐसे लोअर और लेसर मिडिल हिमालय जो है उसका कब होगा, मायोसिन पीरियड में, और ये कब से था, 23 से 5 मिलियन ईयर्स एगो, अब बताओ मिलियन ईयर्स एगो की बात चल रही है। और ये शिवालिक का जो निर्माण हुआ प्लायोसीन पीरियड में हुआ था, और उसमें क्या 5.3 टू 2.4 या 5 टू 2.4 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। तो अब ये चीज़ें जब हुआ तो इनके बीच में फॉल्ट्स भी बनते रहे, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में बनता रहा तो इनके बीच में फॉल्ट्स बने। तो फॉल्ट्स क्या बने, जैसे ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में दिख रहा है आपको ITSZ इंडस सांगपो सचर जोन, आपको दिखेगा यहाँ पर इंडस रिवर बहती हुई और ये दूसरी तरफ सांगपो रिवर बहती हुई, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तो इंडो सांगपो सचर जोन है। तो ये किस किस के बीच में है, ट्रांस और ग्रेटर के बीच में, ग्रेटर हिमालय के बीच में, और ग्रेटर और लोअर के बीच में क्या है, MCT बोलते हैं उसे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। तो ये ग्रेटर और लोअर के बीच में हो गया, ऐसे ही लोअर हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या बनना है आपका, इसमें आपको दिख रहा होगा क्या चीज़ है, लोअर इसके बीच में MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये MBT MCT वगैरह के याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आते हैं किसके बीच में क्या है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये लेसर आउटर के बीच में, और अब आउटर और जो है जो हमारा गैंगेटिक प्लेन्स वगैरह हैं यानी कि प्लेन एरिया आ जाता है, तो उसके बीच में क्या बनना है, HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये होगा इस तरीके से आपको ITSZ MCT MBT HFF याद करना है, और आगे ये इसको समझ लिए ट्रांस और ग्रेटर के बीच में ITSZ, और ग्रेटर और लेसर के बीच में MCT, और लेसर और शिवालिक के बीच में MBT, और शिवालिक को प्लेन्स के बीच में HFF, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पैरेलल डिवीज़न किया जा रहा है इसका, और हॉरिजेंटल मतलब इस तरीके से जो आगे और डिवीज़न भी देखेंगे, केवल अभी पैरेलली किस तरीके से इनकी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उसको जानेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं इसे क्या कहते हैं, हिमालय को हिम प्लस आलय, तो और इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो एवोर्ड ऑफ स्नो। तो अब ये देखिए किस तरीके से इसका वो है, अब आपको दिख रहा होगा ये एक आर्क की तरीके से दिख रहा होगा, यहाँ पे एक आर्क की तरीके से दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्रीसेंट, यानी कि मून का जो चांद होता है ना, अर्ध चांद का हिस्सा, अर्ध चांद दिखता है थोड़ा इस तरीके से दिखता है ना, तो क्रीसेंट शेप्ड है। और तो ये कहाँ से कहाँ तक है, अब ये आपको दिखेगा यहाँ पर ऊपर दिखेगा इंडस रिवर यहाँ से निकलती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर इंडस गॉर्ज बना रही है, यहीं पर है नंगा पर्वत, और इसी तरीके से यहाँ से ऐसे करके आते हैं, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ये कहाँ, नामचा बरवा, नामचा बरवा के पास में ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यहाँ पर एक जिसे सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, तो यहाँ पर एक
सिंटेक्सियल बैंड बनाती हुई ऐसे मुड़ती है, तो यहाँ पर एक गार्ज भी बनाती है, वो क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र गार्ज। तो ये क्या नंगा पर्वत से लेके, नंगा पर्वत से लेके, एक मिनट, ये नंगा पर्वत से लेके कहाँ तक है, नामचा बरवा तक है, और कितनी लंबी है, 2400 किलोमीटर लेंथ की है, और ये पूरा पर्वत श्रृंखला जो है 2400 किलोमीटर लेंथ है इसकी। और यहाँ पर ये देखिए, इस तरफ चौड़ा है, इस तरफ पतला है, ये ईस्ट तक जाते जाते पतला हो गया है। तो अब ये देखिए कितना, J&K और लद्दाख, ये तो दो यूटीज़ में पड़ गया। फिर हम इधर से चलते हैं, तो हम आगे देखते जाएंगे, अब जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा। फिर भी अभी देख लीजिए, पहले हिमाचल पड़ेगा J&K, और इनके बाद में हिमाचल पड़ेगा, फिर उत्तराखंड पड़ेगा, फिर यहाँ पर जो नीचे कुछ नहीं है, फिर यहाँ सीधे सिक्किम तक आएगा, क्योंकि बीच में नेपाल से होते हुए निकलता है। फिर यहाँ पर ही नीचे थोड़ा सा हिस्सा मिलता है किससे, पश्चिम बंगाल का, उससे लगता है इसका। फिर इधर अरुणाचल है, फिर यही चीज़ इसकी जो इधर की तरफ ये मुड़ जाता है जो यहाँ से, तो यहाँ पर क्या है आपको दिखेगा किससे, यहाँ पर दिखेगा नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा वगैरह पड़ते हैं। ऐसे अगर कंट्रीज़ की बात करेंगे तो ये किससे है, इधर तो आपको दिख रहा है किससे, सबसे पहले इधर चाइना की तरफ से है, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया का तो ये पार्ट आप समझेंगे ही समझेंगे। बीच में आपको यहाँ पर मिलेगा नेपाल, और इसके आगे यहाँ पर मिलेगा भूटान, और फिर कुछ पार्ट जो तिब्बत वाला इससे लगते हुए, यानी कि उससे हो गया चाइना से, और पाकिस्तान का यहाँ पर कुछ पार्ट पाकिस्तान से, और यही यहाँ पर सिंटेक्सियल बैंड बनाते हुए इस तरफ कौन सी श्रेणी बन जाती है, सुलेमान और किरथर बन जाती है पाकिस्तान की तरफ, यानी कि इधर किरथर और ये, और इस तरफ जो है, हम इसको हम अगले पार्ट में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नागालैंड वगैरह में कौन कौन सी लुसाई और वो सब श्रेणियाँ, पटकाई वगैरह, ये सब कौन सी बनती हैं, ये सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल हम इसका ऊपर वाला पार्ट ये देख रहे हैं, इसको सीखते हैं कि किस तरीके से बनना है। तो अब ये देखिए, आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि ये जो अलग अलग है, ट्रांस हिमालय को समझेंगे अगर, तो ट्रांस हिमालय जो है, ये चीज़ें कराकोरम, लद्दाख और कैलाश और जास्कर, ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी कि रेंजेज है। रेंजेस का मतलब क्या हो जाता है, पर्वत जो होते हैं वो हमेशा इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला बना देते हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से बनते जाते हैं, तो ये पूरी एक जो है रेंज कहलाती है। तो इस तरीके से जो पर्वतों की श्रृंखला हो जाती है वो रेंज है, उसी को हम काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज ये बोलेंगे। तो यही चीज़ आप समझिएगा आगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से डिवाइडेशन है इसका, तो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, पीर पंजाल, धौलाधार, कैरोकरम, ये सब है क्या भी सीखेंगे, सब आगे समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रांस हिमालय पे। तो ट्रांस हिमालय पे हमने बताया कि ट्रांस हिमालय का मतलब हिमालय से परे, तो इसमें कितनी चीज़ें आएंगी, ये मिला के इतना हिस्सा आएगा। तो ये जो है ग्रेटर हिमालय से नॉर्थ के साइड का भाग है वो कहलाएगा। तो इसमें जो ये पामीर नॉट होगी, यहाँ पर आपको पामीर नॉट दिखेगी, ये पामीर नॉट कहलाती है। इससे एक तरफ कुनलुन पर्वत जो है चाइना में, और इधर ये हिंदू कुश है, और यहीं पर आपको इधर किरथर रेंज दिखेगी। लेकिन हम इंडिया के पर उस पर देख रहे हैं, तो इंडिया में जो सबसे पहले ट्रांस हिमालय वाला भाग है, तो वो ये सब छोड़ के हम केवल इतने हिस्से को पढ़ेंगे। तो इतने हिस्से में क्या क्या आएगा आपका ट्रांस हिमालय में, वो जानिए आप। उसमें पूछ लिया जाता है ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंजेज आती हैं, तो काराकोरम आएगी, लद्दाख आएगी, कैलाश आएगी और जास्कर आएगी। ये रेड कलर की दिख रही है जास्कर, यानी कि ये, इसको अभी डिटेल में और समझेंगे, लेकिन अब ये देखिए, तो ये है किस तरीके से। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 40 किलोमीटर चौड़ी है और 1600 किलोमीटर लंबी है। तो इसमें कौन कौन सी हो गई, ये चारों मैंने बता दी, चारों रेंज है। और ये क्या, अपलिफ्टमेंट ऑफ टेथीज जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन मतलब जो एक भू अवनति, मतलब नीचे की तरफ जो होता है, एक हो गया हमारी भूमि ऊपर की तरफ, और नीचे समुद्र वाला जो नितल, मतलब नीचे वाला हिस्सा होता है, उसे जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। तो साधारण भाषा भी यही समझिए, टेथीज जियोसिंक्लाइन मतलब जो टेथीज सी है, तो वहाँ के उसके अपलिफ्टमेंट, यानी कि उसके सेडिमेंट्स से, उनके अपलिफ्टमेंट से बना था। और इसमें क्या क्या फॉसिल और मरीन सेडिमेंट्स जो हैं वही पाए जाते हैं। तो काराकोरम रेंज इसमें आप जानते हैं, तो ये पूरा तो कई रेंज से मिलकर बना है। तो अब पहली काराकोरम रेंज है, तो वो कहाँ पड़ती है, गिलगिट बाल्टिस्तान यानी कि पीओके का एरिया पड़ता है ये। फिर उसके बाद में ये लद्दाख वाला क्षेत्र हमारा पड़ता है, और इधर अक्साई चीन वाला क्षेत्र पड़ता है। इसको ऐसे समझ लीजिए आप, यानी कि ये ऊपर हो गया ये गिलगिट बाल्टिस्तान, ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, अक्साई चीन हो गया, ये इसमें आ जाता है।
और ये लद्दाख की रेंज उसके बाद में आपको दिखेगी आगे, यानी कि यहाँ से हम इस तरीके से इसको अलग करते हुए जाएं ऐसे करके, ये हिस्सा। तो ये ऊपर का हिस्सा जो हो गया, ये हो गया काराकोरम रेंज। अब आते हैं दूसरी। अब इसी में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पामीर नॉर्ड से जुड़ा हुआ है, और मैंने बता ही दिया कुनलुन उनलुन ये सब निकल रहे हैं वहाँ से। तो ये तीन क्षेत्र जो हमारे इंडिया से संबंधित है ये हो गया। अब इसी में आगे जो आती है, इसी में सबसे बड़ी बात एक जानकारी और होना चाहिए आपको कि यहीं पर एक जो पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, इसे K2 के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, इंडिया की तो अगर कहेंगे जो अनडिवाइडेड, मतलब जो इंडिया कहेंगे हमारा, तो POK को भारत में शामिल करते हुए, तो उसके हिसाब से भारत की कही जाती है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत में नहीं है। वैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो कहाँ है, वो नेपाल में पड़ गया। तो इसलिए जो ये है हमारी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है, वैसे सेकंड है वर्ल्ड की, और इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से कहते हैं, वो काराकोरम में ही पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, इस एरिया में, ठीक है। तो अब ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब दूसरी बात आ जाती है, वैसे अगर देखें इंडिया की कौन सी है मतलब अगर POK के ना शामिल करें तो उस हिसाब से आ जाती है कंचनजंगा। तो अब वो आगे देखेंगे जब हम पूरे पीक्स का मैंने लिया है डिटेल, उसको समझेंगे तब। तो यहाँ पर ये यह हो गया। अब यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स पड़ते हैं इस रेंज में, यहीं पर कुछ ग्लेशियर्स पड़ते हैं, और ये ग्लेशियर्स के बारे में सबसे पहले सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर्स का मैंने बना रखा है, उसको आपको दिखाता हूँ, पहले वहीं से समझते हैं जिससे आपको ये चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। अब देखिए, अब यहाँ पर आ गए, ये मैंने यहाँ पर लिया है तो यहाँ पर समझिए। अब आप तो ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इधर की तरफ दिख रहा होगा ग्रीन कलर का जो भी है पूरा हिस्सा ग्लेशियर्स हैं। तो ये बातुरा, हिस्पर, फिर इसके बाद में चोंगोलुंगमा, बालतोरा, सालतोरो, सियाचिन, बियाफो, खारदोपिन, तो ये सब दिख रहे हैं यहीं पर। ये पर्वत चोटियाँ दिखेंगी, मेशरब्रूम, और ये देखिए ऐसे करके दिखेगा यहाँ पर, ये है मेशरब्रूम, ये है गेशरब्रूम, और ये है क्या है, गॉडविन ऑस्टिन जो रेड वाला दिख रहा है, तो ये आपको दिखेंगे यहीं पर। तो ये जब और डिटेल में पढ़ेंगे तो वैसे केवल अभी जानकारी के लिए यहाँ पर दिखा दिया कौन कौन से इसमें वो पड़ते हैं हमारे ग्लेशियर्स। तो अब ये ग्लेशियर्स का हमने जानकारी ले ली कि कौन कौन से ग्लेशियर्स पड़ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक जानकारी और ले लीजिए कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का, लॉन्गेस्ट लंबाई में, और फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट पड़ता है फेडचेंको ताजिकिस्तान में। तो वो मैंने जब वो पढ़ाया था सेंट्रल एशिया, तब उसके बारे में दिखाया भी था। अब लेकिन यहाँ पर आप जानना चाहिए, सियाचिन जो है 78 किलोमीटर लॉन्ग है और सेकेंड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का, और थर्ड लॉन्गेस्ट भी बियाफो भी यहीं पर है। तो इस तरीके से आपको पता लग रहा होगा कि सेकंड हाईएस्ट पीक भी इसी में पड़ती है, और सियाचिन और बियाफो जैसे ग्लेशियर भी इसी में पड़ते हैं। बियाफो जो है POK में पड़ जाता है, और सियाचिन जो है इंडिया के अंडर में आता है। तो अब इसके आगे देखते हैं लद्दाख रेंज, यानी कि ट्रांस हिमालय की दूसरी रेंज है लद्दाख रेंज। तो जो मैंने बताया कि लद्दाख रेंज ये दिख रही है आपको, तो ये लद्दाख रेंज क्या है, ये किसके है, इसके तो साउथ में आ गई, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आ गई, इसके दिख रहा होगा ना काराकोरम के साउथ ईस्ट में। तो और ये इसके क्या चीज़ है, सियोक रिवर पासिस बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख रेंज। तो अब ये सियोक रिवर एक होती है, वो कहाँ से निकलती है, यहाँ से ऐसे करके निकल के आती है ऐसे, और इंडस इधर से आती है। तो ये इंडस और सियोक के बीच में आ गई है रेंज। तो अब यहीं पर एक खारदुंगला जो पास है वो पड़ता है, और वही क्या है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी कहलाता है, हाईएस्ट मतलब ऊंचाई पे सबसे। और कैलाश रेंज इससे आगे पड़ेगी, कैलाश रेंज जो कैलाश रेंज क्या कहलाती है, एक्सटेंशन इसी लद्दाख का माना जाता है, लेकिन ये तिब्बत वाले क्षेत्र में आ जाता है। तो आपको ये समझ में आया कि हमारा हो गया। अब आता है जास्कर रेंज। जो जास्कर रेंज दिखेगी आपको, ये भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये रेड कलर की दिख रही है। तो ये जानेंगे अब ये जास्कर रेंज क्या हुआ, ये पड़ती है यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है, जम्मू कश्मीर, और ये इधर है लद्दाख वाला क्षेत्र। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र के बीच से होती हुई आ रही है, और ये कारगिल वाला क्षेत्र पड़ता है, वैसे ये कारगिल वाला क्षेत्र है, यहाँ से होती हुई आई है, और ये क्या हिमाचल से और फिर उत्तराखंड तक आई है। अब ये लोग केवल वहाँ पर बता देते हैं, लेकिन उत्तराखंड तक क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पीक कामेट है, और कामेट जो है वो उत्तराखंड में आकर पड़ता है, और ये 7756 मीटर हाइट की है। तो ये आप जानकारी हो गई होगी आपको कि जास्कर रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो ये ऊपर सब कुछ आपको पता लग गया। अब हम पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय को, ट्रांस हिमालय हो गए, हमारी चारों रेंज समझ में आ गई। अब ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं, महान हिमालय जिसे बोलते हैं। अब
ये इसके बारे में देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा बीच में ग्रेटर हिमालय, यहाँ से ब्राउन कलर का ये दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी में आपने देखा होगा कि जो मैंने दिखाया था कि यहाँ पर एक सिंटेक्सियल, अभी ऊपर का होगा ट्रांस हिमालय, असलियत में हिमालय अब शुरू हुआ है, हिमालय अब शुरू हुआ है, वो ट्रांस हिमालय में गिना जाता है। हिमालय को हम तीन, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और ये जो हमारा इतना हिस्सा है, ये तीनों रेंज जो इधर से इधर तक दिखेंगी ऐसे करके, तो ये हिमालय है। इसीलिए हिमालय पर्वत की अगर सबसे ऊंची चोटी कही जाती है तो माउंट एवरेस्ट, और वो जो है हमारी जो K2 थी वो किसकी थी, ट्रांस हिमालय की थी, हिमालय की नहीं। हिमालय की पूछी जाएगी तो माउंट एवरेस्ट, और उसमें भी इंडिया की पूछी जाएगी तो कंचनजंगा। हिमालय की पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा, हिमालय की अगर पूछी गई तो कंचनजंगा है भारत की, और मतलब इंडिया में सबसे ऊंची चोटी पूछी गई तो काराकोरम में पड़ती है, वो ट्रांस हिमालय में पड़ती है, तो वो है गाडवेनास्टन K2। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली है, छोटी छोटी बातें हैं अब समझने की होती हैं यही। तो अब ये ग्रेट हिमालय क्या है, 25 किलोमीटर थिक बेल्ट है साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय के साउथ में पड़ रहा है। अब ये क्या है, क्रिस्टलाइन इग्नस और मेटाफॉर्मिक रॉक्स हैं, और कौन कौन सी, ग्रेनाइट सिस्ट और नीस की रॉक्स मिलेंगी इसमें। अब ये क्या है, इसे हिमाद्री भी कह देते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ऊंची मतलब चोटियाँ हैं इसमें, तो स्नो कैप्ड रहती हैं, हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं ऊपरी हिस्सा इनका, तो इसलिए इसे हिमाद्री भी बोल देते हैं। अब एवरेज एलिवेशन कितना हो रहा है, 6,6100 मीटर है, जबकि इसमें आपका माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर हाइट की चोटी है, वैसी ऊंची ऊंची चोटियाँ कई मिलेंगी, वो दिखाऊंगा, दिखा रखी हैं मैंने आगे, उनको सब क्रम से जानेंगे, तो ऊंचे ऊंचे शिखर सब इसी में मिलते हैं। तो वैसे एवरेज देखेंगे सबका तो 6,100 मीटर अबव सी लेवल पड़ता है। अब लेंथ मैंने बता ही दिया था, 2,400 मीटर नंगा पर्वत से लेके कहाँ तक था, ये हमारा नामचा बरबा तक था अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, अभी तो केवल जनरली समझ लीजिए, आगे मैंने और डिटेल में समझाया। पासिस कौन से पड़ते हैं, लद्दाख में जोजीला, हिमाचल में बारालाचा और सिपकीला, सिक्किम में नाथुला और जलेपला, अरुणाचल में बोमडिला, ऐसी हाईएस्ट पीक्स भी सब इसी में पड़ती हैं। और दो गार्ज मैंने बताया आपको जो आपको समझना चाहिए, ये होगा इंडस गॉर्ज और ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र गॉर्ज उधर की तरफ इंडस गॉर्ज था, ये भी सब है। अब ये इससे संबंधित आपको जानकारी मिल गई। अब मिडिल हिमालय में आते हैं, मिडिल हिमालय को जानते हैं, तो मिडिल हिमालय मैंने बताया कि ये शुरू कहाँ से होगा, पीर पंजाल, धौलाधर, और इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी ऐसे करके, यहाँ से आके नेपाल से होते हुए इधर नीचे होते हुए, इसके पैरेलल जो है ग्रेटर हिमालय वाली के पैरेलल होते हुए ये जाती है कहाँ तक, वहीं अरुणाचल तक। तो ये चीज़ें पूरी सीरीज़ है, मतलब ये क्या है, वैसे जो ऊपर वाला ग्रेटर हिमालय था वो कंटिन्यूस था, उसमें पहाड़ जो हैं वो कंटिन्यूस है, माउंट वो हैं पर्वत श्रृंखलाएँ, और यहाँ पर जो हैं थोड़ा बीच बीच में ब्रेक ली हुई हैं, डिसकंटिन्यूस बोलते हैं इसीलिए, और उसकी तुलना में हाइट भी कम है। अब इसमें जो है एलिवेशन जो है वहाँ तो था 6,100 तक का, यहाँ है 3,700 से 4,500 मीटर सी लेवल तक। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो रेंजेस वो पड़ती हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटीवा, महाभारत। अब क्या है, पीर पंजाल तो ये हो गई, धौलाधर ये हो गई, अभी इनको जानेंगे कहाँ कहाँ हैं, और पीर पंजाल जो हो गई, अब इसको पीर पंजाल को समझते हैं पहले, तभी आगे का आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय की सबसे लंबी है, और यहीं पर आपको दिखेंगी, यहीं से झेलम निकलती है, चिनाब भी यहीं से पास होती है, इसको पार करके रावी भी यहीं से फ्लो करती हुई निकलती है, और यहीं पर बुर्जिल पास और बनिहाल पास भी पड़ेंगे। तो ये चीज़ें पीर पंजाल के बारे में जानकारी हो गई। अब क्या होता है, इसी के बराबर में यहाँ से पीर पंजाल है कहाँ से कहाँ तक, सही मायने में एरिया पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि J&K से होती हुई जाती है और हिमाचल से होती हुई आती है, मतलब हिमाचल का थोड़ा सा हिस्सा लगता है इसमें। फिर जो हिमाचल में असलियत में है वो धौलाधर है, ये हिमाचल में जो है वो धौलाधर है, ये धौलाधर हिमाचल में पड़ती है, और फिर इसके बाद में आगे जो है उत्तराखंड में, इसे क्या हो जाता है, नागटिब्बा जो है वो उत्तराखंड में हो जाती है, और यहाँ पर जो आगे चल के हिमालय वो उसमें नेपाल में आती है, इसे महाभारत श्रेणी कहते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग रेंजेस के नाम से जानी जाती है। अब इसी में आपको लाहौल स्पीति और कांगड़ा और कुल्लू वैली पड़ेंगी हिमाचल में, तो मैंने बताया हिमाचल में जो इसी के एरिए में पड़ेंगी वो लाहौल स्पीति, कांगड़ा और कुल्लू क्या है, ये हमारा इसी जो है कौन सा लेसर हिमालय जो है मिडिल हिमालय है इसमें पड़ेंगी। अब क्या आ जाता है, ये सारी चीज़ें हो गई जान के, और इसमें कुछ जानकारी और ले लीजिए आप, ये जानिए कि
ये जो शीतोष्ण घाट के घास के मैदान हैं, इसमें कुछ घास के मैदान मिलेंगे, और जो कश्मीर में कहे जाते हैं, कश्मीर एरिया में कहे जाते हैं, यहाँ पर समझिए इस तरीके से, ये हिस्सा इस कश्मीर वाला J&K में जो है, इसे मर्ग कहते हैं इन घास के मैदानों को, और जो उत्तराखंड में कहते हैं इनको, कहते हैं उत्तराखंड वाले एरिया में कहते हैं इनको बुग्याल या पयाल। तो अब यहीं पर हिल स्टेशंस भी इस रेंज में पड़ेंगे। देखिए कितना सब कुछ बड़ा है, वैली और घास के मैदान और सब कुछ इसी में पड़ रहा है। अब यहीं पर हिल स्टेशंस पड़ेंगे, हिल स्टेशंस डलहौजी, शिमला और मनाली, ये तो पड़ेंगे हिमाचल वाले एरिए में, और मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये पड़ेंगे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जो हैं लेकिन इसमें किसमें, ये आपके मिडिल हिमालय में, और ये जो दार्जिलिंग है वो यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाले एरिया में पड़ेगा। तो ये देखिए मिडिल हिमालय में कितना सब कुछ है। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आउटर हिमालय। आउटर हिमालय को शिवालिक भी कहते हैं, और इसी तरीके से जो ऊपर थे लेसर को, इसको किस किस के नाम से जानते हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि मिडिल हिमालय भी कहते थे, लेसर भी कहते थे, लघु भी कहते थे, मध्य भी कहते थे। अब इसी तरीके से शिवालिक को किस किस नाम से जानते हैं, इसे आउटर हिमालय। अब ये सबसे बाहर पीली वाली लाइन दिख रही होगी, ये पीली वाली लाइन है जो असम तक जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, आउटर हिमालय। और ये क्या है, 45 किलोमीटर तो इधर की तरफ चौड़ी है, और इधर जाते जाते 8 किलोमीटर रह गई है चौड़ाई। और ये यंगेस्ट है, यानी कि सबसे बाद में बनी हुई ये रेंज है, तो इसमें पर्वत श्रृंखला है, और इसे ये इसीलिए सेडिमेंट्स है, जो कि सेडिमेंट्स किस किस के हैं, एक तो आपके जो बाकी हिमालय है, लेसर हिमालय है, उसके सेडिमेंट्स वगैरह हैं, लंबे समय तक वो बनते रहे तो उनसे बना, और आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की। एल्टीट्यूड कितना है, 900 से 1500 मीटर, आपने देखा था यहाँ सबसे ऊपर 6100 था, फिर हमारा 3700 से 4500 मीटर एलिवेशन था, और इसमें जाके सबसे नीचे वाले में हमारा 900 से 1500 मीटर रह गया, यानी पहाड़ों की ऊंचाई कम होती चली जा रही है। अब इसमें जानने वाली बात जो है वो ये सीखने वाली बात है कि जो वैलीज़ कौन कौन सी पड़ती हैं इसमें, पड़ेंगी आपको मतलब दो वैलीज़ के बीच में, मतलब जो लंबी सी लॉन्गेस्ट वैली होती हैं, लंबी लंबी वैली ऐसे समझें आप, ये हुआ आपका जो है लेसर हिमालय, फिर इसके नीचे हुआ ये हमारा शिवालिक, इसके बीच की जो घाटी है, ये लंबी लंबी घाटियाँ, तो इन्हें कह देते हैं दून, और दून कहते हैं इस तरफ तरफ वेस्ट वाले पार्ट में, और ईस्ट वाले पार्ट में कह देते हैं उनको द्वार। तो आप जानते होंगे देहरादून और हरिद्वार सुना है, तो ये लंबी लंबी घाटियाँ हैं किस किस के बीच में है, लेसर हिमालय और हमारा शिवालिक हिमालय के बीच में। इसी तरीके से इन्हीं में आगे जाके अगर हम नेपाल में जाते हैं तो चूरिया हिल्स भी इसी शिवालिक में पड़ती है, शिवालिक रेंज में। तो आपको ये पता लग रहा है कि देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, ये सब दून भी इसी में पड़ेंगे इनके बीच में, और ये भी सब हमारा हरिद्वार वगैरह भी इसी के बीच में पड़ेगा, शिवालिक और उसके लेसर हिमालय के। तब ये जानकारी हो गई। अब देखिए आपको हम सबसे पहले लेके चलते हैं ऊपर, जो जानकारी आपको देनी बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना, और इससे संबंधित आता है क्वेश्चन। अब ये ऊपर हमने दिखाया था क्या, जो ट्रांस हिमालय, तो वहाँ पर आपको क्या क्या दिखेगा, 4 पीक्स दिखेंगी। एक तो आपको ये नंगा पर्वत जहाँ पे मैंने निशान लगाया, K2, ब्रॉड पीक और गेशर बूम, ये 4 तो पड़ी हमारी ट्रांस हिमालय में, यानी कि हिमालय में नहीं है, ट्रांस हिमालय में। अब हिमालय में कौन सी पड़ेंगी, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये उत्तराखंड वाला पार्ट, तो उत्तराखंड वाले पार्ट में आपको दिख रही है कौन सी, बंदरपूच, कामेत, त्रिशूल और नंगा पर नंदा देवी, ये चारों पड़ रही कहाँ पर, ये चोटियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ इन रेंजेज में, तो ये सब कहाँ पड़ रही हैं हमारी, किस में पड़ रही हैं हमारी, उत्तराखंड में। अब फिर हमारा नेपाल वाले एरिया में देखिए, नेपाल में हमारी धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मनासलू, फिर हमारा जो है सिसपंगमा, फिर हमारा चोयू, फिर इसी तरीके से माउंट एवरेस्ट, और लाहौत्से, मकालू, और फिर कंचनजंगा, फिर सबसे लास्ट में नामचा बारमा। तो इनका सबका है, हमने ये सीरियल तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सीरियल किस तरीके से यहाँ से लेके चलते हैं और कितना इधर पड़ता है, और इंडिया में कौन सी पड़ती हैं, वो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, और कंचनजंगा जो ये अक्षर के गोले में लगा रखा है, बाकी सब हमारा नेपाल में है। इसमें आ जाता है इनमें से कौन सी श्रेणी भारत में है, तो आपको बंदरपूच, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी और ऐसे नामचा वर्मा, कंचनजंगा के बारे में पता होना चाहिए, ये कौन सी हैं, ये फेमस चोटियां हैं, इनको पता होना चाहिए। अब मैंने ऊपर जो चारों तरफ से दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है,
ये 14 चोटियाँ ऐसी हैं, 14 चोटियाँ वर्ल्ड की, जो हमारे ट्रांस हिमालय और हिमालय में पड़ती हैं। और ये सब क्या है, टॉप 14 शुरू की 14 पीक्स सब इंडिया में हैं, और उसमें भी वर्ल्ड की जो 8,000 मीटर ऊंचाई वाली हैं, 8,000 मीटर से ज़्यादा हाइट है इनकी, 8,000 मीटर तक। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माउंट एवरेस्ट पता ही है, नेपाल में है, 8,848 मीटर। फिर K2 मैंने बताया था, ये कहाँ है, POK में पड़ता है, यानी कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, जबकि ये काय में है, ट्रांस हिमालय में, 8,611 मीटर। फिर कंचनजंगा है, ये थर्ड नंबर पे, कंचनजंगा 8,586, जो कि यहाँ पे दिख रही है, ये कहाँ पर है, ये हमारे इंडिया की है। तो ये इंडिया की हो गई, तो इस तरीके से। अब ये इंडिया में हिमालय की अगर पूछी जाएगी तो कंचनजंगा, अगर इंडिया की पूछी जाएगी तो K2, और ट्रांस हिमालय और हिमालय दोनों की पूछी जाएंगी तो भी K2, और अगर पूरे वर्ल्ड की पूछी जाएगी तो माउंट एवरेस्ट। अब ये थर्ड नंबर पे लाओत्से, जो कि कहाँ पर है, तिब्बत और उसके बॉर्डर पर नेपाल के, ये मकालू यहाँ पर दिख रहे होगा, सब मैंने उसी तरीके से दिखाया। ये भी कहाँ पर है, तिब्बत वाले एरिया में, चोयू, धौलागिरी, यहाँ पर धौलागिरी दिख रही होगी। फिर अन्नपूर्णा, मनासलू, इस तरीके से ये दिख रही हैं। इनकी मैं एक ट्रिक बता के आपको दिखाऊंगा, आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए दिखाया क्योंकि अभी मेरा पर्पज़ ये है, आपको आप डिटेल में समझते हुए चलें। तो इनको पीक्स के हिसाब से सीरियल से लगा दिया है मैंने, तो ये नंबरिंग के हिसाब से लगा रखी हैं। और ये चीज़ आपको दूसरा जानकारी क्या होनी चाहिए, ये नॉर्थ से लेके, मतलब वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक के लिए किस तरीके से हमारी पड़ती हैं, और इंडिया की कौन सी हैं, तिब्बत की कौन सी हैं, वो नेपाल की कौन सी हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अब ये मैंने हाइट वगैरह भी लिख रखी है, ये भी जानकारी आपको हो जानी चाहिए। अब ये सब हो गया, अब आपको थोड़ा सा जो और भी जानकारियां हैं, जैसे ये पास वगैरह हैं, इसमें कौन से पड़ते हैं, और ये जो हैं, मतलब आपके जो ग्लेशियर्स वगैरह होगा, ये रिवर्स वगैरह हैं, ये सब भी मैंने हैं, और ये कश्मीर का एरिया है, इसमें किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनको सबको लेके चलेंगे आगे। अभी मैंने केवल इनको यही लिया, पार्ट 2 में हिमालय का और भी क्षेत्र है, जो कि हम नॉर्थ ईस्टर्न वाला है, नागा, पटकाई, लुसाई वगैरह हिल्स के बारे में सीखेंगे, और हम उसका जो क्षैतिज विभाजन है, यानी कि जो नदियों के हिसाब से तीस्ता, सतलुज और उन सब के बीच में है, वो भी सीखेंगे। तो पार्ट 2 में बहुत कुछ है आपके लिए, ये भी मैं जानता हूँ, यहाँ पर भी आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, और इनको ट्रिक्स वगैरह को भी मैं आपको देता रहूँगा। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और अब हम आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप इनको इसको सीखेगा अच्छे से, और मुझे लगता है मैंने कंटेंट ऐसा तैयार किया है, सब जगह से समझ के, अच्छे अच्छे बुक से जानकारी लेके, और बिल्कुल अथेंटिक बनाते हुए किया है। और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसको हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकूँ। जो डोंट जज द बुक बाई कवर्स, क्योंकि इसलिए क्योंकि आपको लगता होगा बड़ी बड़ी कोचिंग ही सब कुछ अच्छा सिखा सकती हैं, लेकिन मैंने कोशिश ये करी है, उन कोचिंग्स के भी वीडियोस देखे हैं, लेक्चर्स देखे हैं, उनसे अच्छा कंटेंट लाने की तैयार कोशिश की है, और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। समय कम है, मेरे पास सुविधाएँ उतनी नहीं है, इसलिए मैं बड़े बड़े बोर्ड पर नहीं समझा सकता, लेकिन कोशिश मेरी यही है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूँ। धन्यवाद।